सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ मुसाफिर किड। और आज जो है बाइक की सर्विसिंग, दिस इज द सेकेंड टाइम आफ्टर 5000 किलोमीटर्स। तो अभी तक बाइक में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं और मे बी ये सर्विसिंग के बाद में भी ठीक हो जाने वाला है। तो चलते हैं और वहाँ जाके डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें चेंजेस होने वाले हैं। सो अपनी बाइक आ चुकी है रेडी होके सर्विस के बाद, और यहाँ पे कितना कॉस्ट लगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो सेकंड सर्विसिंग जो कॉस्ट है, जो कि 5000 किलोमीटर में हुआ अभी, इसका कॉस्ट लगा मुझे 644 रुपीज़। और ये है उसका बिल, जो कि इसमें चेंजेस आए हैं, सिर्फ इंजन ऑयल चेंज हुआ है और सिर्फ ऑयल फिल्टर हुआ है चेंज। सो इंजन ऑयल सिंथेटिक इंजन ऑयल इसमें डाला है, तो इसको करीब 4000 किलोमीटर के बाद आराम से चेंज कर सकते हैं, करीब 9000 किलोमीटर तक, क्योंकि अभी 5000 हुआ है। और जो चेंजेस आए हैं, लाइक थोड़ा बहुत साउंड का इशू था लाइक इस फाइबर बॉडी पे, और चेन का थोड़ा इशू था, वो भी उन्होंने ठीक कर दिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब आप राइड करते हो समझ में आता है कि कुछ कुछ चीज़ें ढीला रहता है, लाइक कि ब्रेक का थोड़ा सा चीज़ें, और यहाँ के नट बोल्ट्स, उसके बाद यहाँ के कुछ नट बोल्ट्स, और इस साइड कुछ नट बोल्ट्स, तो वो सारी चीज़ें मतलब बारीकी से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से सर्विस किया गया है। और जब आप मतलब जब मैं इसको चला रहा हूँ तो मुझे फील आ रहा है अंदर से कि सर्विस हुआ है, मतलब चीज़ें सही हुई है जो पहले थोड़ा दिक्कत दे रही थी मुझे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रही थी चेन से भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब साउंड आ रहा था एक तरह से बोल सकते हैं, पता नहीं क्यों साउंड आ रहा था, लाइक कि बहुत ज़ोर से चिक 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 साउंड आ रहा था एक, बट मुझे लगा कि ये शायद चेन स्प्रे की वजह से है, बट ऐसा कुछ नहीं था, क्या दिक्कत था मुझे पता नहीं, बट फ़िलहाल इन्होंने ठीक कर दिया। और अभी फ़िलहाल बाइक में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ से सर्विस का भी जो इंडिकेटर है वो हट चुका है फ़िलहाल अभी, क्योंकि सर्विस हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये माइलेज कितना दे रहा है अभी। तो मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, लाइक जब मेरा फर्स्ट सर्विस हुआ था उस टाइम पे माइलेज था मेरा करीब अराउंड 30 के आसपास, 30 भी नहीं था, 25-30 दे रही थी फर्स्ट सर्विस में, और अभी सेकंड सर्विस है और अभी इसका माइलेज करीब 38-40 मिल रहा है, 38-40 आराम से मिल रहा है सिटी में। और हाईवे पे अगर देखो तो थोड़ा ज़्यादा होगा, और 42-45 भी होगा जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, क्योंकि लास्ट मैंने पेट्रोल डाला था करीब 5 लीटर्स और लाइक 190-195 किलोमीटर्स चल चुका है, और अभी भी पेट्रोल है, तो मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि 30-40 है। और ये है सारी चीज़ें, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि बजाज की जो सर्विस है वो बहुत बढ़िया है, और बहुत लेस मतलब चार्ज करते हैं सर्विस में, अगर दूसरे कंपनीज़ के देखो तो बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं सर्विस, तो ये चीज़ बजाज की मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सर्विस चार्ज बहुत कम है और इनका सर्विस भी बहुत ज़्यादा मतलब फर्स्ट क्लास है पूरा। और अभी तक इसका मैं अगर ओवरऑल रिव्यू बताऊँ 5000 किलोमीटर्स का, तो मैं बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली यू कैन बाय दिस बाइक। बहुत सारे वीडियोज़ हैं ऐसा जिनमें मतलब बोल रहे हैं कि दिस बाइक इज़ नॉट गुड, और कम्फर्ट के हिसाब से और सर्विस के हिसाब से, बट ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन डेफिनेटली बाय दिस, यू कैन लाइक आप इससे लॉन्ग टूर भी कर सकते हो, आपको बिल्कुल मतलब ना बैकबोन का प्रॉब्लम होगा, ना आपको राइडिंग पोस्चर में कोई प्रॉब्लम होने वाला है। तो मुझे अभी तक कोई भी इश्यूज़ नहीं दिखे हैं ऐसे कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है माइलेज भी करीब 30-40 दे रहा है, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। सो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं इस बाइक में अभी तक। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे बाइक्स में नहीं होते प्रॉब्लम्स, दूसरे बाइक्स में होती है, बट ये नहीं बोल सकते कि RS में प्रॉब्लम है, लाइक किसी किसी मॉडल्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोल सकते हैं उसे, लेकिन आप उसको लेके पूरे लाइक ये जो प्रोडक्ट है RS 200, उसको आप लाइक मतलब गलत नहीं बोल सकते, बट मेरे हिसाब से अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है 5000 किलोमीटर्स तक का। सो डेफिनेटली यू कैन, इफ़ यू वांट टू बाय दिस देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, क्योंकि इसका सर्विस कॉस्ट बहुत कम है। सो ये चीज़, और माइलेज 200 cc में 40 किलोमीटर्स का माइलेज विद दिस टाइप ऑफ लुक, और पिकअप तो भाई इसका बोलने का नहीं, पिकअप बहुत हाई क्लास है, जब इंजन भाई गर्म होता है ना, करीब 40-50 किलोमीटर जब चला ले तो कंटिन्यूसली, जब इंजन गर्म होता है ना भाई, उसके बाद फिर रॉकेट बन जाता है, लाइक आप आराम से 130-140 आराम से हिट कर रहे हैं। सो मेरा अभी तक का ये है रिव्यू 5000 किलोमीटर्स का,
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं इस बाइक के रिलेटेड, कुछ इश्यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो यू कैन कमेंट इट डाउन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मुसाफिर किड, बाय बाय।